इस मंदिर में 20,000 चूहों की होती है पूजा, मिलता है चूहों का जूठा प्रसाद। राजस्थान में बीकानेर से कुछ ही दूर देशनोक में करणी माता के मंदिर में करीब 20,000 चूहे हैं, जिनको न सिर्फ पाला जाता है बल्कि उनकी पूजा भी की जाती है। यही नहीं, मंदिर में चूहों को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही है। इस मंदिर में 20,000 चूहों की पूजा होती है। इस मंदिर में चूहों को लेकर दो कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोगों की माने तो कहा जाता है कि सभी बच्चे एक ना एक बार चूहे के रूप में पैदा होते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि यहाँ 20,000 चूहे सिपाही का रूप है। यही वजह है कि चूहों को मंदिर में बड़ा स्थान हासिल है। इस मंदिर में हजारों चूहों के बीच में कुछ सफेद चूहे भी हैं, जिन्हें पवित्र माना जाता है। इन्हें करणी माता और उनके चार बेटों की संज्ञा दी जाती है। भक्त सभी चूहों की सेवा करते हैं और मिठाई चढ़ाते हैं। यही नहीं, मंदिर में चूहे जिस प्रसाद पर घूमते हैं या जूठा करते हैं, उसे पवित्र माना जाता है और लोग उसे खाते हैं। मंदिर के नियमों के मुताबिक चूहों को मारना एक अपराध कहलाता है। जाने अनजाने अगर कोई चूहा किसी के पैर के नीचे आकर मर जाता है तो उस चूहे के वजन के बराबर सोने या चांदी का चूहा चढ़ाना होता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।